भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे जिनका नाम था शिवलाल शेठ। गुजरात में एक गांव है, हमारा मंदिर है सारंगपुर में, उसके पास बोटाद नाम का गांव है, वहां रहते थे। धनाढ्य थे, सुखी संपन्न थे और उनको साक्षात समागम प्राप्त हुआ था, सत्संग प्राप्त हुआ था अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का। उनसे बातें सुनते थे, कथा सुनते थे, ऐसे ही सनातन धर्म के सिद्धांतों को सुनते थे। एक अद्भुत प्रकार से वे भक्ति करते थे, ध्यान करते थे। वे जब भी ध्यान करने बैठते थे पूरा प्रलय कर देते थे, ज्ञान प्रलय, और शांति से बैठते थे, सुख और आनंद लेते थे। उनका आनंद देखकर उनके ही पिता ने पूछा, अरे शिवलाल आप कैसे ध्यान करते हैं, आपको तो बहुत आनंद आता है, हमें तो ध्यान में कोई आनंद ही नहीं आता। तब शिवलाल सेठ ने समझाया, देखो मैं किस ढंग से ध्यान करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर देता हूँ, है ही नहीं, मैं ये पूरा बोटाद शहर जो दिखता है उसका भी प्रलय कर देता हूँ। उतना ही नहीं, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का प्रलय, इस घर का भी प्रलय, आसपास कुछ नहीं, संबंधी भी कोई नहीं, इतना ही नहीं, मेरी देह भी नहीं, मेरा शरीर भी नहीं, सब प्रलय कर सब जला देता हूँ। ज्ञान प्रलय है, जलाकर उसकी भस्म पर मैं बैठता हूँ और फिर ध्यान लगाता हूँ भगवान में, स्वामीनारायण भगवान को याद करता हूँ। ऐसे ध्यान करने से उसको कैसे विक्षेप हो सकता है, समाधि लग गई, तत्व ज्ञान का उपयोग हो गया। तो ज्ञान प्रलय करना सीखना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहती है, ज्ञान प्रलय कैसे सीख सकते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। घट को जब भी देखे तो याद करो एक दिन मिट्टी था और मिट्टी हो जाएगा। किसी देह को हम देखते हैं तो याद कीजिए, कभी यह देह नहीं था, पंचभूत थे, देह हुआ, पुनः पंचत्वं गतः, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। भगवद गीता हमें अद्भुत रीति से जगत की नाशशीलता समझाती है। और कुछ बातें हैं जो अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।